नर्मदे हर। अखिल भारतीय नर्मदीय ब्राह्मण महिला महासभा की श्रीमती सरिता पारे जी की अध्यक्षता में प्रथम बैठक भोपाल में नर्मदा भवन के श्री रामेश्वर दास गार्गव सभागृह में संपन्न हुई, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में नर्मदीय माता शक्ति ने पहुंचकर कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की। अब तक किए कार्यों का लेखा जोखा दिया गया एवं आगामी अधिवेशन की रूपरेखा तय की गई। अतिथियों के उद्बोधन विचार आपने हमारी प्रथम प्रस्तुति में सुने। शेष उद्बोधन झलकियां पेश हैं द्वितीय खंड में। भोपाल से हमारे संवाददाता श्री सतीश पाराशर की एक रिपोर्ट। अखिल भारतीय नर्मदीय ब्राह्मण महिला महासभा की श्रीमती सरिता पारे जी की अध्यक्षता में प्रथम बैठक, जिसमें देश भर से सभी इकाइयों से हमारी मातृशक्तियों की बड़ी तादाद में उपस्थिति रही, निर्णय लिए गए, इस पर एक रिपोर्ट विस्तृत देखिए। धन्यवाद। कुछ कर गुजरने की अगर मन में है तो हम अवश्य करें। सबके सहयोग से एक दूसरे को हम आगे बढ़ा सकते हैं। कहते हैं कि अगर ठान लो तो तारे गगन के तोड़ सकते हैं, तो वही बात है। और मैं देख भी रही हूँ कि महिलाएं पहले से काफ़ी जागरूक हो गई हैं। सुनीता सगर सौजन्य से हुआ था, हम दो दिन रुके, बहुत प्यारा लगा और आज फिर अच्छा लग रहा है। इतनी संख्या में महिला, मुझे लग रहा है कि आप लोगों में वो भावना है कि कुछ कर दिखा। जैसे अभी आपने प्रतिबंधन सुने इकाई के प्रीति काशु और जीते मैडम उज्जैन से, और अभी हम लोग वाली मैडम थी जिन्होंने मेरा मन दुखी कर दिया। हालांकि दुखी होने का कोई कारण नहीं, हिम्मत रखना चाहिए महिलाओं को। सबके साथ, किसी के साथ भी कोई भी होता है तो हमको अपने हिसाब से रहना चाहिए। अब मैं ज़्यादा लाख लपेट नहीं करूँगी, हमें सम्मेलन करना है, उसके लिए हमें कैसा क्या करना है, क्या करना है, ये सब हमको आगे सोचना है। और जो काम करना है इस सम्मेलन में अपना सहयोग देना चाहते हैं वो आप में से हाथ ऊँचे कर दो तो हम समझ जाएंगे कि हमारा सम्मेलन सफल हो गया, क्योंकि आपके बिना हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। मैं चाहूंगी कि मैंने जो बोला आप समझे नहीं क्या? मैंने बोला कि सम्मेलन में जो सहयोग करना चाहते हैं कृपया हाथ उठाए, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। सरिता मैडम अकेली हो गई तो परेशान हो जाएगी, और वैसे उनकी टीम बहुत प्यारी है, फिर भी आप लोगों का सबका सहयोग चाहिए। रूपरेखा बनेगी उसमें भी आप लोगों का सहयोग, कौन किस टीम को क्या काम दिया जाएगा वह भी हम लोगों को आज ही डिसाइड करना है। ऐसा नहीं कि पेपर बाजी चल रही है, व्हाट्सएप चल रहा है, बैंड तू ये एका देखे लीजिए, बैंड ओका देखे लीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। आज अपने नाम दीजिए, बैनों को लिखाइए कि हमारे से जो बनेगा हम काम करेंगे, या आप जो हमको काम देंगे हम करेंगे। सम्मेलन हमको बहुत बेहतरीन और इससे ज्यादा अच्छा करना है, पूरे भारत की महिलाएं आएंगी इसके लिए। हम लोग मंच एवं उपस्थित मातृशक्ति, आज हम सभी महिलाएं बड़ी दूर दूर से यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि हम आगे आगामी महिला सम्मेलन के बारे में कुछ बात कर सकें और किस तरह से उसकी रूपरेखा हो इसके बारे में विचार कर सकें। हर बार ये बातें होती हैं, हर सम्मेलन में होती हैं, और करीब 20-25 साल से ये सुनते आ रहे हैं, परंतु अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं निकला और न महिलाओं के लिए उन्नति और उत्थान के लिए कोई कार्य किए जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हम अपना बहुत कुछ समय सिर्फ सम्मान और मालाएं और खाना पीना इनमें ही खर्च कर देते हैं और आखिर निर्णय कुछ नहीं निकलता। तो इस बार जो सम्मेलन हो उस सम्मेलन में हम कुछ ठोस निर्णय लें और महिलाओं के उत्थान और उन्नति के लिए बातें करें। बाकी सब कार्यक्रम तो होते रहते हैं, सम्मान करना और खाना पीना ये सब हमारी संस्कृति में है, ये भी होना चाहिए, परंतु मुख्य जो कार्य है वो हमारा महिलाओं की आत्मरक्षा, आत्मसम्मान और उनके आत्मनिर्भरता के लिए कुछ न कुछ कार्य हम अवश्य करना चाहिए। पिछले 20-25 सालों से देख रहे हैं कि उनके लिए सोचा जरूर जाता है पर परंतु कोई ठोस कार्य नहीं होता है। बड़े शहरों की बात छोड़ दी जाए तो छोटे शहरों और छोटे गांवों में तो महिलाओं की स्थिति और भी खराब है। तो हम इस बार यदि ये सम्मेलन करते हैं तो इसमें कुछ न कुछ ठोस निर्णय जरूर लेना चाहिए
और हमारी पुरानी जो रूढ़ियां हैं उनको छोड़कर कुछ नया करने की संकल्प लेना चाहिए और इसके बारे में हम अवश्य सोचें। मेरे परिवार के लिए मेरी पहली पसंद ब्रह्ममणि अच्छी ऑर्डर।